स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई कमोडिटी से जुड़े सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और फिर अपने कमोडिटी से जुड़े ही सवाल भेजें, और अपना नाम, अपना शहर का नाम ज़रूर भेजें। इसमें शहर से जुड़े हुए इस नंबर पर सवाल नहीं भेजें। हमारे साथ दो मेहमान होंगे जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से और मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे रुपए की, क्योंकि रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है और उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुणाल सोधानी हैं, वीपी ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर सिंहन बैंक इंडिया से। शुक्रिया कुणाल जी, आपने वक्त निकाला। सर, आप क्या मानते हैं, क्या क्या वजह आपको लग रहा है जिस वजह से रुपये में इतनी गिरावट दिखी है और नीचे में और कहाँ तक फिसल सकता है? क्या 84 और 85 के लेवल भी दिख सकते हैं डॉलर के मुकाबले क्या? बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले जो जियोपॉलिटिकल रीजंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक मेजर रीजन वो है ही नहीं। मेजर रीजन इज द जैपनीज येन अनवाइंडिंग जो हो रही है, कैरी ट्रेड की अनवाइंडिंग। इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 2-3 लाइनों में इसे समझाना चाहता हूँ दर्शकों को कि सबसे पहले कैरी ट्रेड होता क्या है। पहले जापान में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट या फिर फ्लैट इंटरेस्ट रेट था, ऑलमोस्ट 0%, तो लोग वहां से बोरो करते थे और US स्टॉक्स एंड अदर इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा डालते थे। अब हुआ क्यों कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट हाइक कर दी जापान ने, तो जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ गई, तो इंटरेस्ट आउटफ्लो जो बढ़ जाता है एक इन्वेस्टर का, क्योंकि उतना इंटरेस्ट ज्यादा भरना पड़ेगा। और दूसरी बात, एट द सेम टाइम जैसे रेट हाइक की तो जापानीज येन भी अप्रिशिएट होने लगा, सो ऑलमोस्ट 161 से 142 की तरफ आ गया। तो दोनों तरफ से एक इन्वेस्टर को मार पड़ी, एक जापानीज येन अप्रिसिएशन से और एक इंटरेस्ट रेट हाइक से। अब बिकॉज दोनों तरफ से मार पड़ी तो मार्जिन कॉल आने शुरू हो गए, बिकॉज एम टू एम नेगेटिव जाते हैं, और एम टू एम नेगेटिव जा रहे हैं तो फिर हर जगह से पैसा निकालना ही एक ऑप्शन बचता है, बिकॉज उन वैल्यू उतनी नहीं है जितना उन्हें पैसा भरना है, जिस वजह से आउटफ्लो हो रहा है इक्विटी मार्केट से ग्लोबली, चाहे वो हम जापान इंडेक्स की बात करें, US स्टॉक्स की बात करें, इंडियन मार्केट्स की बात करें। सो सबसे इंपॉर्टेंट है जापानीज कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग हो रही है, जिसके वजह से रिस्कियर एसेट्स जैसे कि इक्विटी की हम बात कर रहे हैं वहां से पैसा जा रहा है। अब जैसे ही आउटफ्लो होता है कोई भी कंट्री से तो ऑब्वियसली उस करेंसी पे प्रेशर आता है। जैसे हमारी बात करें तो INR जैसे रूपी पे प्रेशर जरूर आएगा। आज सुबह जब मार्केट खुला तब हमने देखा कि मार्केट NDF मार्केट में 83, 84, 85 के आसपास खुल रहा था, बट धीरे धीरे वो नीचे ही खुला। बट एट द टाइम मार्केट की क्लोजिंग 83, 85 के आसपास थी, और जैसे ही मार्केट क्लोज हो गया NDF मार्केट में ऑलरेडी 84.14 तक ट्रेड हो चुके हैं, विच मीन्स रुपी पे प्रेशर अभी भी बनता दिख रहा है। थोड़े से आउटफ्लोज और शॉर्ट टर्म में दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा अनवाइंडिंग प्रेशर अभी भी रहेगा। और दूसरी चीज, अगर हम फेड की बात करें, जो डेटा पॉइंट्स हमने देखे US फेड के, जो एम्प्लॉयमेंट डेटा पॉइंट्स या लेबर डेटा पॉइंट्स हमने देखे या वेजेस की बात करें, वो भी सिंक में नहीं थे। सो एक डाइवर्जेंस बन रहा है जहां पे इंटरेस्ट रेट कट की एग्रेसिवनेस की बात चल रही है, बिकॉज एक टेक्निकल रिसेशन की बातें बार बार चल रही है ऑन द US फ्रंट, जो हमने देखा गया गोल्डमैन सैक्स या अदर बाकी कंपनियों ने भी जैसे रेट को उन्होंने बढ़ाया कि देयर इज हायर पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे एक तरफ डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है टूवर्ड्स 102.40 की तरफ, हमने देखा लो बनते हुए, एक तरफ जापानीज येन अप्रिशिएट हो रहा है। सो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन सा बह रह रहा है कि किस तरह से रूपी का यहाँ से रुख जाएगा। सो अगर बात करें या हमारी बात करें तो हमारा व्यू ये बनता है कि 84.30, 84.40 तक थोड़ा प्रेशर बनते दिखाई दे रहा है। ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करें नीचे के लेवल पे, तो अगर 83.70 के नीचे जब तक हम क्लोजिंग नहीं देखते तब तक थोड़ा रुपी वीक ही रहेगा यहाँ से, ऐसा लग रहा है। शुक्रिया कुणाल जी, आपने वक्त निकाला और करेंसी मार्केट पर अपना व्यू बताने के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और सब ज़्यादातर सवाल इसमें गोल्ड और सिल्वर को लेकर है, क्योंकि चांदी में जिस तरह की गिरावट आई है लोगों के मन में हो रहा होगा क्या ये अट्रैक्टिव लेवल हो गया है। मनोज जी, एक एक करके हम सवाल लेंगे। अभी एक दर्शक ने सवाल भेजा है, सिल्वर इन्होंने 80,000 रुपये पर बाई कर रखा है, क्या एग्जिट करना चाहिए क्या? प्रमोद नाम है उनका, पुणे से उन्होंने सवाल भेजा है। नमस्कार यशुमान जी, बिल्कुल यहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में काफी बड़ा जो है पैनिक देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से जो ग्लोबल इक्विटीज में प्रेशर है, जो करेंसी के स्पेशली जो जेपनीज येन में जो अप्रिसिएशन आया उसके चलते, और हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो असेट क्लास है वहां पे प्रेशर है, और उसी के चलते चांदी की कीमतों में भी दबाव है। 78,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है चांदी के लिए देखने को मिल रहा था, और आज हमने इंट्राडे में वो सपोर्ट्स लेवल जो है ब्रीच होते हुए देखे हैं। तो यहाँ पे अगर ये शॉर्ट टर्म के ट्रेडर है तो एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस 78,800
100 का यहाँ पे मेंटेन करके चले। ऊपर में हमारा मानना है कि 81,400 एक रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे देखने को मिलेगा अभी टेम्परेरी, तो 78,800 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं पोजीशन। ऊपर में 80,500 से 81,000 के रेंजेस में आए तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह रहे। तो ये सलाह आपकी है चांदी पर। चांदी पर आप भी अपना व्यू बताइए, थोड़ा पोजिशनल व्यू भी बताइए और आज के लिए भी बताइए क्या करना चाहिए। प्रथमेश जी, इस गिरावट के बाद आप लोगों का इनहाउस व्यू क्या बन रहा है? आई थिंक मृत्युंजय जी सॉरी विश्वमोहन जी, फॉलिंग मार्केट है, फॉलिंग नाइफ है, इसको पकड़ना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो जैसा वीकनेस है, वीकनेस के हिसाब से यहाँ पे आपको सेल करने की सलाह रहेगी, सेल ऑन रैली रहेगी। बट फिलहाल यहाँ पे गिरावट बहुत तेज है तो यहाँ पे फिलहाल अवॉइड करें बेटर रहेगा। पोजिशनली मेरे ख्याल से मेरे को 76,000-77,000 यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी जोन दिख रहा है फिलहाल अभी के लिए। नेक्स्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से आपको वीकनेस जारी रहेगी, वापस आपको 82-83 के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो जिनको अभी जो ये जो गिरावट हुई है एक्युमुलेशन के लिए मेरे ख्याल से अच्छा मौका है, बट यस अभी भी गिरावट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जारी रह सकती है। भी गिरावट आ सकती है, रुके थोड़ा फिर आप यहां पर एंट्री करें, जल्दबाजी ना करें आज की गिरावट में। ये सलाह प्रथमेश जी की तरफ से है। अगले दर्शक है हमारे साथ, आशीष है राजस्थान से, कॉपर बाई किया है 2 लॉट 838 रुपए में, क्या करना चाहिए? और साथ ही जिंक पर भी राय चाहिए, जिंक में करंट प्राइस पर क्या करें, क्या करना चाहिए? मनोज जी आपकी सलाह क्या है, कॉपर और जिंक दोनों ही काउंटर पर? बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से जो बाकी एसेट क्लासेस में प्रेशर है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स में हम देखेंगे तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा है क्योंकि डिमांड के कंसर्न्स ऑलरेडी थे और हमने जिस तरह से यहाँ पे जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में प्रेशर बनता हुआ देखा तो उसका असर यहाँ पे बेस मेटल पैक पे भी पड़ता हुआ नजर आया और कॉपर की सबसे ज्यादा पिटाई होती हुई नजर आई है। 770 एक सपोर्ट जोन था, वो आज यहाँ पे ब्रेक होता हुआ नजर आया है। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में प्रेशर बना रह सकता है और नीचे में 745-748 के रेंजेस में एक सपोर्ट जो है वो आता हुआ नजर आएगा। तो अभी वर्तमान लेवल से भी लगभग 2-3% की गिरावट और यहाँ देखने को मिल सकती है। जिंक में भी हमारा मानना है कि 247 के सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होने के बाद अब प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, तो अगर थोड़ी बढ़त आती है शाम के सत्र में 245 के आसपास तो यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं इंट्राडे के लिए ऊपर में 248 के स्टॉप लॉस से, नीचे में 1-2 दिन में 238 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू आपका कॉपर और जिंक दोनों ही काउंटर को लेकर आ गया है। हमारे साथ अगले दर्शक है, अमित है नासिक से, क्रूड और नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? आप बताइए प्रथमेश जी, इन दोनों काउंटर पर आपकी राय क्या है, क्रूड और नेचुरल गैस? यहाँ पे यस रिस्की एसेट्स में सेल ऑफ है तो बेटर है साइड में, मतलब आप ट्रेड न करें वो भी एक बेटर सुझाव है। बट फिर भी यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा स्टेबल होते हुए दिख रहा है, काफी गिरावट हो चुकी है, 10-11% क्रूड गिर चुका है तो यहाँ पे एक्चुअली स्टेबिलिटी बनना जरूरी है। बट बिकॉज रिस्की एसेट्स करेक्ट हो रहे हैं ट्रेड अवॉइड करें। नेचुरल गैस अगेन स्टेबिलिटी जोन सपोर्ट जोन के पास में है, इसको बाय करें 160 के पास में अगस्त पहला, स्टॉप लॉस 153 का लगाए और टारगेट 177 का रखें। विक्रम का सवाल है दिल्ली से, इन्होंने भी नेचुरल गैस पर ही सवाल पूछे हैं। मनोज जी आप बता दीजिए नेचुरल गैस में विक्रम को क्या सलाह दे रहे हैं आप? काफी ओवरसोल्ड जोन में है लेकिन बाय की सलाह मेरी नहीं रहेगी जिस तरह से मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो बेहतर होगा ये काउंटर को अवॉइड करें क्योंकि डिमांड को लेकर के कंसर्न है, दूसरा ओवरऑल सेल ऑफ है, तो बेहतर होगा कि ये काउंटर को यहाँ पे आज के दिन अवॉइड जो है वो करके चलना चाहिए। चलिए अगले दर्शक भी, विक्रम का ही एक और सवाल था, ये कैस्टर सीट पर है, जानना चाह कि कैस्टर का आउटलुक क्या है। मनोज जी कैस्टर का क्या आउटलुक है, हाजिर डिमांड तो अच्छी रहने की रिपोर्ट आ रही थी, आगे क्या लग रहा है, आगे की चाल कैसी रह सकती है कैस्टर की? कैस्टर सीट में ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव था लेकिन आज जिस तरह से हमने यहाँ पे देखी है बड़ी उठापटक की, शुरुआती सत्र में मार्केट जो है ऑलमोस्ट लोअर सर्किट जो है टेस्ट करके आए थे और फिर वहां से शार्प लगभग 200 रुपए की रिकवरी देखने को मिली है, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे ओवरऑल जो मार्केट के इफेक्ट है वो एग्री कमोडिटीज में भी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे एक रेंज जो है वो 6,080 से 6,250 जो है वो कैस्टर सीट के अगस्त वायदा में देखने को मिल सकती है। ऊपर में अगर 6,250 के आसपास के भाव मिले तो फिर वहां पे लॉन्ग की पोजिशन से एग्जिट करने की सलाह रही है। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, ये है महावीर हैं बेंगलुरु से, इन्होंने कॉमिक सिल्वर पर सवाल पूछा है कि कॉमिक सिल्वर वापस से $26.65 तक आ सकती है क्या, क्या सलाह देंगे आपको प्रथमेश जी? आई थिंक अभी फॉलिंग मार्केट है अगेन शिमोन जी, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो है, ऐसे नहीं कि नहीं है, बट फिलहाल के लिए नेक्स्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में आपको गिरावट का ही रुख रहेगा, टाइम लगेगा इसको आने की।
आने में टाइम लगेगा। आपको लगता है कि 26.5 के आसपास कॉमेक्स पर चांदी आ सकती है क्या मनोज जी? नहीं बिल्कुल, ऑलमोस्ट वो लेवल आज टेस्ट करके आया है मार्केट, और अभी जिस तरह से वॉलेटिलिटी है तो रीटेस्ट हो सकते हैं लेवल्स, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी, और जो 26.40 एक सपोर्ट लेवल भी है तो वो टेस्ट हो सकते हैं कॉमेक्स में फिर से एक बार। दर्शक हालांकि इन्होंने नाम नहीं भेजा है, दुर्गा इनके प्रोफाइल पे नाम दिख रहा है, ये जानना चाह रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर में क्या आगे 2-3 महीने में अच्छी तेजी दिख रही है क्या? मनोज जी 2-3 महीने के हिसाब से इनको गोल्ड और सिल्वर दोनों में बता दीजिए क्या करें। अभी गोल्ड में रिकवरी ज्यादा जल्दी आएगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि गोल्ड जो है वो एक सेफ हेवन असेट भी है, और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं और फेड रेट कट की संभावनाएं भी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है, तो ये सारे ही फैक्टर्स जो है गोल्ड के लिए ओवरऑल काफी पॉजिटिव है फंडामेंटल के तौर पर। जो अभी जो हम सेल ऑफ देख रहे हैं ये ओवरऑल असेट क्लास में जो सेल ऑफ आया है उसका असर है, तो कहीं ना कहीं ये 1-2 वीक में सेटल होता हुआ नजर आएगा। तो लंबी अवधि में हमारा मानना है कि सोने में रिकवरी थोड़ी ज्यादा आएगी चांदी के बनिस्पत, और अगर यहाँ पे चाइना की तरफ से कोई स्टिमुलस निकल करके आते हैं तो फिर वो इंडस्ट्रियल मेटल को सपोर्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे अगर 1-2 महीने के लिए कोई रणनीति बनानी है तो चांदी के बजाय सोने में बनाना चाहिए, वहां पे रिकवरी थोड़ी जल्दी बनती हुई नजर आएगी। ओके, एक दर्शक है उन्होंने काफी हेवी बाइंग कर रखी है, 80 किलो उन्होंने चांदी खरीद रखा है 79,650 रुपए के आसपास, क्या करना चाहिए, बुक कर ले या अभी बने रहे आगे उनको फायदा होगा? मनोज जी सलाह दीजिए, काफी हेवी बाइंग है। हाँ मैंने पहले भी बोला विश्वमोहन जी कि आज यहाँ पे बड़ा नहीं है, और हमने शुरुआती सत्र में बड़ी तेजी भी बनते हुए देखी थी, और ऊपर से एक स्टीप फॉल जो है आज देखने को मिला है चांदी में, स्पेशली 78,800 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस मेंटेन करें, शाम के सत्र में यहाँ पे ऊपर में अगर कहीं भी 80,000 के आसपास के स्तर मिलते हैं तो फिर एक बार एग्जिट कर सकते हैं। महेश है हैदराबाद से, ये इन्होंने गोल्ड का आज का व्यू जानना चाह रहे थे। प्रथमे जी आपकी कॉल क्या है गोल्ड पर आज? मेरे ख्याल से नीचे में 68,600 और 68,200 ये दो भाव जल्दी मिल सकते हैं, इसको सेल ऑन रैली कीजिए, अक्टूबर वायदा 69,180 पे बेचिए, 69,450 का स्टॉप लगाइए, टारगेट 68,600 फॉलोड बाय वापस नीचे और गिरावट 68,200 तक पॉसिबल फॉल देख सकता है। अब बेस मेटल्स पर एक बार फिर से राय ले लेते हैं, मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है आज की गिरावट के बाद मनोज जी? यहाँ पे एल्यूमिनियम में थोड़ा प्रेशर बनते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे भी सेल ऑन रैली कर सकते हैं, जो अगस्त का वायदा है 210 के आसपास बिकवाली करना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे 212 का लगाया, नीचे में 205 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। कि टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में प्रथमेश जी? ऊपर को बेचे 772 पर, 776 का स्टॉप लगाए, टारगेट 764 के लिए रखें। ओके, तो एल्युमिनियम मनोज जी की और प्रथमेश जी को लगता है कि कॉपर यहां पर बेचकर जाइए, लेकिन सेल कॉल ही दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है। चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम आपके लिए खरीफ सीजन में किस तरह की स्विंग का क्या हालचाल है, दालों के दाम के ट्रेंड क्या दिख रहे हैं, खास करके तुअर के और चने के दाम के ट्रेंड क्या है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब एक और दर्शक है अमित हैं मथुरा से, उनका सवाल है कि 75,600 रुपए पे चांदी इन्होंने खरीद रखा है, प्रथमेश जी आप क्या सलाह देंगे इनको, 75,600 की बाइंग है अभी इनको प्रॉफिट हो रहा है, रुकना फायदेमंद होगा, आप क्या सलाह देंगे, स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल है अभी। आई थिंक वापस एक बार 75,000 तक आने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, इनको फिलहाल प्रॉफिट दिख रहा है, इनको निकल जाना चाहिए। आप क्या सलाह देंगे छोड़ाला कि कई बार मैंने आपसे चांदी पे पूछ लिया मनोज जी, लेकिन ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोनों एक्सपर्ट से पूछने के लिए, आप क्या सलाह दे रहे हैं इनको? मनोज जी ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा। जी मेरा मानना है कि यहाँ पे शाम के सत्र में थोड़ा सा पुल बैक आता है कहीं भी 80,000 के आसपास, तो वहां पे एक बार निकलना चाहिए, अभी ऑलरेडी हमने बड़ा पैनिक देखा है, तो एक पुल बैक जो है शाम के सत्र में 1,001 रुपए का देखने को मिल सकता है, वहां पे एक बार एग्जिट कर सकते हैं। तो आपके लिए अमित जी यही सलाह है कि पुल बैक का वेट कर ले, थोड़ा पुल बैक आए 1,000-1,000 पॉइंट का, तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक करें, मार्केट स्थिर हो जाए एक बार, सब कुछ स्टेबल हो जाए तब एंट्री करें, नीचे में आगे आपको मौका मिल सकता है ऐसा प्रथमेश जी को लगता है, और जो भी ट्रेड हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वहां पर स्टॉप लॉस भी बताए जाते हैं उनका भी ध्यान रखिएगा। चलिए एक और मेहमान हमारे साथ हैं, राहुल चौहान हैं, डायरेक्टर है आईग्रेन इंडिया से, उनसे सबसे पहले हम दलहन के बारे में बात करेंगे। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया
आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, चने में अचानक से तेजी फिर से दिख रही है, क्या वजह है? बाकी खाने, बाकी दलहन कीमतों में तो नरमी दिख रही है, लेकिन चना फिर से तेज क्यों हो रहा है? नमस्कार विश्वमोहन जी। देखिए, चने में क्या है कि आप जानते हैं कि अभी स्टॉक लिमिट भी लगी है चने में, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से चना की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका मुख्य कारण है कि जो त्योहारी मांग है आगे चलकर वो निकलती दिखाई दे रही है। आज से 1 साल पहले की बात करूँ तो 5 अगस्त 2023 को दिल्ली चना जो था वो 5575 रुपये के आसपास था, आज वो 7200-7375 पर ट्रेड हुआ है। स्टॉक लिमिट लगने के बावजूद जो डिमांड निकलने की वजह से चना की कीमतों में मजबूती देखने को मिली है। तो ये सलाह आपको क्या लग रहा है कि दाम क्या और भी आगे बढ़ सकते हैं, क्या 7500 के ऊपर भी जा सकते हैं, या अब यहाँ से ज्यादा दाम नहीं बढ़ने वाले चने के? देखिए, लास्ट ईयर आप भी जानते हैं कि चना का जो प्रोडक्शन था वो अफेक्टेड हुआ है, कम हुआ है पिछले वर्ष के मुकाबले रवि 24 में, और जो जिस समय फसल की आवक इंडिया में हो रही थी उस टाइम भाव MSP से ऊंचे थे, जिस वजह से जो बफर का जो स्टॉक है वो भी कमजोर रहा है। तो सेंटिमेंट्स ओवरऑल ठीक लग रहे हैं, तेजी के सेंटिमेंट्स हैं, बिकॉज बफर का जो स्टॉक कमजोर होने की वजह से जो मध्यस्थता होती है बाजार में वो नहीं होगी और ट्रेड जो होगा एक्चुअल सप्लाई और डिमांड पर चलेगा। चने को लेकर अब बताइए आप, तुअर को लेकर, तुअर में थोड़ी नरमी आई है क्या, और ये दाल सस्ता हो सकता है क्या? सर, तुअर में नरमी आने के 5-6 कारण हैं। सबसे पहला कि ये डिमांड बहुत कमजोर थी, और दूसरा विदेशों से काफी बड़ी मात्रा में तुअर का इंपोर्ट हो रहा है, और इस साल म्यांमार में तुअर का जो उत्पादन था लास्ट ईयर से करीब 1 लाख टन बढ़कर 3.5 लाख टन बताया गया, और वहां से भी काफी बड़ी मात्रा में इंडिया में इम्पोर्ट हुआ है। अफ्रीकन कंट्रीज से कुछ पुराना कुछ कंट्री से माल फंसा हुआ था, वहाँ पर कंटेनर फंसे हुए थे, वो इंडिया में आने चालू हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो इंपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो अप्रैल से जून तक इंडिया में करीब 2 लाख टन से ऊपर हम तुअर इंपोर्ट कर चुके हैं, जो लास्ट ईयर की सेम अवधि से 50,000 मेट्रिक टन अधिक है। तो ओवरऑल अवेलेबिलिटी जो है विदेशों से भी है इंडिया में, और जो अफ्रीकन क्रॉप नई आने वाली है उसको भी अगर आप देखें तो ये सारी चीजें जो है इसकी वजह से मंडी में गिरावट देखने को मिली। राहुल जी, अब मेरे को आप बताइए यहाँ पर उड़द को लेके और मसूर को लेकर, इन दोनों के कीमतों को लेकर क्या ट्रेंड मिल रहे हैं? उड़द देखिए सर, मसूर और मूंग को छोड़कर बाकी जितनी भी दालें हैं उनकी कीमतें MSP से जो बेंचमार्क की देती है इंडस्ट्री उससे अधिक चल रही हैं, और पिछले 1 महीने में उड़द की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन लास्ट ईयर से अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो उड़द की कीमतें अभी भी मंडियों में ज्यादा है। अगर मैं उड़द FAQ चेन्नई की बात करता हूँ तो 1 साल पहले करीब 8,250 पर बिकी थी उड़द, जो 5 जुलाई यानी 1 महीना पहले 8,950 तक पहुंची है, और आज जो है 8,700 पर ट्रेड हुआ है। तो ओवरऑल म्यांमार में जो है उड़द का उत्पादन काफी अच्छा हुआ है, और इन 3-4 महीनों में म्यांमार से उड़द का इम्पोर्ट भारत में एक बड़ी क्वांटिटी में हुआ है, और जिसकी वजह से इंडिया में अवेलेबिलिटी जो है उपलब्धता बड़ी है उड़द की, और कीमतों में गिरावट देखी गई है। राहुल जी, अब छोटा जवाब दीजिए, खरीफ बुआई का जो नंबर्स आ रहे हैं वो इस बार काफी अच्छे दिख रहे हैं, दलहन की बुआई तो जबरदस्त हो ही रही है, तिलहन की बुआई भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, ट्रेंड किस तरह के देख रहे हैं आप यहाँ पर? देखिए, लास्ट ईयर के मुकाबले इंडिया में आप 110 लाख हेक्टेयर में दलहन की बिजाई की गई है। लास्ट ईयर से मैं कंपेरिजन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि लास्ट ईयर में बारिश कम हुई थी, अलियों की वजह से सोइंग सीजन भी काफी लेट शुरू हुआ था। अगर मैं 2021-22 के मुकाबले कंपेरिजन करता हूँ तो अवश्य ही तुअर की बिजाई में इजाफा देखने को मिला है, उड़द की बिजाई थोड़ी सी कमजोर जरूर है परंतु मूंग की बिजाई अच्छी दिखाई दे रही है। राजस्थान में क्रॉप इस मानसून थोड़ा सा लेट आया था 1 हफ्ता, तो उस वजह से शुरुआती तौर में मूंग की बिजाई के जो आंकड़े थे कम आ रहे थे, लेकिन अब वो बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। तो यानी कुल मिलाकर हाल बेहतर दिख रहे हैं क्योंकि खरीफ के ओवरऑल भी नंबर्स पिक्चर काफी अच्छे दिख रहे हैं, ज्यादातर जो सोइंग के नंबर्स है वो पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर है। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला। चलिए वापस से हम चलते हैं दर्शकों के सवालों जवाब की तरफ, कई सारे सवाल आ रहे हैं और गोल्ड सिल्वर सेंट्रिक सवाल आज ज्यादा आ रहे हैं। एक दर्शक, उन्होंने नाम नहीं भेजा है, साउथ साइड से इन्होंने भेजा है तो नाम पढ़ना मुश्किल हो रहा है, गोल्ड का बाइंग लेवल जानना चाह रहे हैं। मनोज जी, बार बार सवाल गोल्ड सिल्वर पे आते हैं, गोल्ड इनको अगर बाय करना है तो किस लेवल पे बाय करें, छोटे छोटे जवाब दे दीजिए। 68,800 एक सपोर्ट लेवल था, वो अभी टूटता हुआ नजर आया है, तो बेहतर होगा कि अभी आज के लिए अवॉइड करें यहाँ पे बाइंग को, क्योंकि जिस तरह से पैनिक हम ओवरऑल मार्केट में देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और उसका असर
साफ तौर पे डोमेस्टिक मार्केट में भी देखने को मिल रहा है, तो आज यहाँ पे बाइंग जो है सोने चांदी में अवॉइड करना चाहिए। ओके आप बता दीजिए प्रथमेश जी, हमारे साथ अगले दर्शक है जयराम हैं, ये नेचुरल गैस में शाम के सत्र के लिए टारगेट जानना चाह रहे हैं, बताइए क्या करना चाहिए इनको एनजी में, शाम के लिए टारगेट क्या था आपका, आपने हालांकि बताया था क्रूड एनजी पर, एक बार इनके लिए फिर से बता दीजिए। नेचुरल गैस में एक्चुअली ट्रेंड रिवर्सल होने को काफी टाइम लगता है विश्व मोहन जी, बट 160-155 ये जो जोन है ये मेरे ख्याल से काफी बेस स्टेबल जोन है, जहां पे आपको वापस बाइंग आते सकती है, तो मेरे ख्याल से 160-155 के जोन में इनको एक्युमुलेश करना चाहिए। ऊपर वाला टारगेट जो है 177 का रहेगा और ओवरऑल टारगेट का स्टॉप लॉस 150 के लगा है। यानी आपको लग रहा है कि यहां पर ये व्यू कितने दिनों का है प्रथमेश जी? मेरे ख्याल से 2-3 ट्रेडिंग सेशंस का रहेगा, बिकॉज नेचुरल गैस वोलेटाइल है और इसमें कैरी फॉरवर्ड करने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ओके तो ये व्यू आपकी तरफ से आ रहा है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में, हालांकि कॉपर पे उनको जवाब मिल गया था, एक बार फिर से मनोज जी आप कॉपर पे इनको राय क्या देंगे, रेगुलर कॉलर है हमारे। ट्रेंड वीक ही लग रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि 745-748 ये इस तरह देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ पे अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो थोड़ा ऊपर अगर आता है कहीं भी 772-774 के आसपास तो वहां बिकवाली कर सकते हैं 781 के स्टॉप लॉस से, नीचे में 745-748 ये स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके शुक्रिया मनोज जी आपका, प्रथमेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, जो भी सवाल रह गए हैं हम आगे के शोज में आपके सवालों को शामिल करेंगे। तो चलिए कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।